नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पीड़ित युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। युवती कपड़े खरीदने गई थी, इसी दौरान दुकान के सेल्समैन द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र का है, जहां दो युवती द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जब वो सराफा थाना क्षेत्र की कपड़ों की दुकान पर खरीदारी करने गई थी, तो उसके साथ वहां के सेल्समैन द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। पहले तो युवती द्वारा घटना को सामान्य लिया गया, लेकिन जब वो अपनी अन्य महिला मित्र के साथ दोबारा वहां पहुंची, तो सेल्समैन द्वारा उसके साथ भी छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। दोनों युवतियों द्वारा सीधे थाने पहुंचकर आरोपी नावेद उर्फ अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नावेद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में भी पेश कर दिया गया है। महालक्ष्मी ड्रेसेस के शॉपिंग में गई थी, उसके दौरान एक लड़का जो वहाँ का विक्रेता है, उसके द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो मैंने उसकी वो करने के लिए कंफर्मेशन करने के लिए मैंने अपनी सहेली को बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो उसके बाद मैं अपनी सहेली को लेकर साथ में 18 तारीख को उसी दुकान पर पुनः गई, तो उसी कर्मचारी मिला जिसके द्वारा पुनः मेरे साथ जैसी घटना मेरी सहेली के साथ छेड़छाड़ की गई। तो थाने पर भी थाने पे जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट कंप्लेन कराया। कौन है ये आरोपी? इसका नाम है नावेद उर्फ अब्बास अंसारी या चंदन नगर का रहने वाला। गिरफ्तारी हो गई, न्यायालय पेश कर दिया। आपका कुछ वीडियो बना था लड़के ने, बता रहा है। हाँ, वो जांच जारी है, वहाँ से वीडियो निकाला जा रहा है पुलिस दुकान से, जिन लड़के ने बनाया था वीडियो नहीं बनाया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और